स्लॉट से ग्लेनॉर्क और मिलफर्ड साउंड के लिए निकल रहे हैं। दो दिन वेदर अच्छा है तो सोचे अभी मेजर एक्टिविटीज हो चुकी है तो आज ये भी कर लें। ग्लेनॉर्ची की तरफ जाते हुए क्वींसटाउन का बे, बहुत ही बढ़िया आप दिख रहे, बहुत शांत पानी और ब्यूटीफुल क्लाउड के सेटिंग्स हो चुके हैं। आज हमारा दिन अच्छा है, थोड़ा क्लाउडी है लेकिन फोटोग्राफी के लिए लाइट भी अच्छी मिल रही है। अब हम ग्लेनॉर्ची से मिलफर्ड साउंड जा रहे हैं। हमें लगा था 80 माइल है क्वींसटाउन से, लेकिन 288 किलोमीटर यहाँ से बता रहे हैं, मतलब तकरीबन क्वींसटाउन से 250 किलोमीटर है, 4 घंटे जाने को, 4 घंटे आने को। अब हमें एग्जैक्टली पता नहीं मिलफर्ड साउंड कोई स्पॉट है कि एक पूरे इसका नाम है, क्योंकि वहाँ से बहुत ट्रैक्स निकलते हैं, लोग दो दो दिन तीन तीन दिन का हाइक करते हैं, 50 किलोमीटर का भी हाइक करते हैं, तो एक ऐसी अपेक्षा है कि शायद वो सीनिक जगह हो जहाँ से हमें टेनाव जो रिवर है वो सी में जो जाके मिलती है, तस्मेनियन सी बताया ना आपने, तो उसमें जाके उसके कुछ अच्छे शॉट्स मिले, कुछ सीनिक हाईवे मिले। तो थोड़ा तकरीबन 100-120 किलोमीटर जाके देखेंगे अंदर मैक्सिमम, जितना हमसे बंद पड़ता है, और रास्ते पे जाके अगर अच्छा लगा तो फिर फोटो वोटो मार के आ जाएंगे। अब हम स्काईलाइन पे गोंडोला से ऊपर जाके ज़िपलाइन करने वाले हैं। यहाँ पे सिंगल टिकट मिलती नहीं है, आपको रिटर्न ही लेनी पड़ती है, $39 में, क्योंकि हम ज़िपलाइन से नीचे आएंगे तो रिटर्न टिकट का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ट्रैक करके फिर से एक बार आ सकते हैं नीचे, चाहिए तो फिर शिशिर साहब $20 खुद की बैंड नहीं बजाय। ही बढ़िया व्यू सिटी का मिल रहा है, लेक का मिल रहा है, क्वींसटाउन का मिल रहा है। हमें 3 बजे उन्हें रिपोर्ट करना है, 3:20 को हमारी ज़िपलाइन होगी, बहुत मजा आने वाला है। ये न्यूज़ीलैंड की स्टीपेस्ट ज़िपलाइन है ऐसा उन्होंने तो कहा है, अभी तो गूगल करके देखना पड़ेगा कि सही है कि नहीं। ये आपको दिख रहा है ये लेक वकाटिपू है, दिस इज द क्वींसटाउन बे, दोस आर द माउंटेन्स व्हिच आर नोन एज द रिमार्केबल्स। वहाँ पे 7,000-8,000 फीट का डबल कोन है जहाँ से मेरे हिसाब से हमारा स्काई डाइविंग हुई थी। दोस आर द डियर पार्क हाइट्स, दिस इज नोन एज द क्राउन्स रेंज। ये क्वींसटाउन हिल है, ये दिख रही है आपको, और ये क्राउन्स रेंज बोला जाता है इसे। सो दैट इज द सेसल्स पीक, इज द वॉल्टस पीक। वो जो थोड़ा रास्ता है जो दिख रहा है आपको, छोटा सा रास्ता जा रहा है वो ग्लेनॉर्ची की तरफ जा रहा है, ब्यूटीफुल ड्राइव है लेक वाकाटिपू के पास से। सुमित, आज आपका क्वींसटाउन का दौरा खत्म होने वाला है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हम न्यूजीलैंड तकरीबन 16 दिन घूम रहे हैं, नॉर्थ आइलैंड 5 दिन के, अभी
साउथ आइलैंड है, सीधा ऑकलैंड से क्वींसटाउन आ जाइए, यहीं पे कोई अच्छा होटल बुक कीजिए जहाँ पे आपको वाईफाई फ्री मिलेगा, सुविधाएं अच्छी हो, और आप यहीं पे 7-8 दिन बिताइए। आप सब कुछ कर सकते हैं, ब्यूटीफुल बे भी है यहाँ पे, और एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। अगर आपको बाइक वाइक लेनी है तो आप रेंटल करके मिलफोर्ड साउंड के नॉर्थ की किधर भी जाना है जा सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे। हम फ्रांस जोसेफ गए, अभी हम क्राइस्टचर्च जाएंगे, माउंट जाएंगे, सब 200-300 किलोमीटर पे, तो ना इस टाउन में सब कुछ है, ज्यादा महंगा नहीं है, डील्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे, बड़े सच्चे लोग हैं और एवरीथिंग इज वेरी प्रोफेशनल। यहाँ पे आइए, 8 दिन रहिए, 7 दिन रहिए, वेदर के लिए 2 दिन दे दीजिए, आई थिंक यू विल हैव बेस्ट ऑफ योर टाइम एंड प्लेस।